कमा लो, जितना कमा सको कमा लो, यही है कमाई। उस जन्म में कमाए नहीं, इस जन्म में रो रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, ठोकर खा रहे हैं, तो कम से कम इस जन्म में कथा सुनो और कथा सुनकर के कुछ बुद्धि खुल जाए तो इस जन्म में कमा लो, ताकि अगले जन्म में आपको बड़े चाव से मिले सब कुछ। कब तक ठोकर खाएंगे ऐसे, कब तक? इसलिए कमा लो, कमाए रहेंगे तो आपको मिलेगा जरूर, निश्चित मिलेगा। और सब लोग अपना लेकर के आए, ये मत सोचना कि यहां आकर के कोई बनता है। आप लोग कहते होंगे ना, अरे वो आके फलाना इतना मेहनत किया, इतना कर दिया, इसलिए बन गया। यहां कोई नहीं बनता, सब ऊपर से बन करके आते हैं। वो देखे आप क्या कहते हैं, वैकेंसी का फॉर्म देखे हैं? आप लोग तो पढ़े लिखे होंगे, जानते हैं जो वैकेंसी का फॉर्म आता है उसमें क्या फिलअप करना है, वो जो क्रमांक होता है कि 10 लाइन उसमें होती है, 20 लाइन होती है, नाम डालना है, पिताजी का नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है आपका, वो जो कुछ भरने के लिए आता है, आप उसमें एक भी क्रमांक बढ़ा नहीं सकते कि हम अपना एक्स्ट्रा डाल दें कि हमारे पिताजी ये करते हैं। उसमें जितना पूछा जाता है केवल उतना ही आपको भरना होता है। इसलिए जितना लिख करके आया है बस उतना ही यहां आप करेंगे, एक रुपए ज्यादा नहीं कमा सकते, एक रुपए कम नहीं कमा सकते, जो लेकर के आए हैं वही यहां खाना पड़ेगा। जो लेकर के आए हैं, जैसे एक छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी मां कहीं लेकर के जाने लगती है सफर में, तो उसकी मां एक दिन पहले से ही बच्चे का कपड़ा, दूध का पैकेट और सारा सामान उसका बैग में पैक कर लेती है। बैग में पैक करके तब वो सफर पे जाती है कि बच्चे को समय समय पे कपड़ा बदलना, दूध देना, गर्म पानी, बोतल, सारी व्यवस्था लेके चलती है। वैसे ही जब हम लोग इस संसार में आए तो सारी व्यवस्था लेकर के आए, और जो लेकर के आए वही आपको मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा आपको यहां नहीं मिलेगा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। इसलिए कमाओ, खूब कमाओ, जितना हो सके उतना कमाओ। और इस अहंकार में कभी मत रहना कि हम पिता हैं, हम बाप हैं, हम मां हैं, हम पालन कर रहे हैं, हम नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा, कुछ नहीं होगा। न जाने कितने बाप जन्म देते ही मर जाते हैं, कितनी माताएं जन्म बच्चा देते ही मर जाती हैं, तो क्या वो नहीं जिए, उनका पालन पोषण नहीं हुआ? सबका होता है, ये सृष्टि का नियम है, सबका हुआ है और सबका होता रहेगा। इस चक्कर में कभी मत पड़ना आप कि हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जैसे संसार चल रहा है वैसे संसार चलता है। भजन करो अपने जीवन में। दो प्रकार की कमाई है, पता है कौन कौन सी कमाई है? दो प्रकार का इनकम है। एक तो इनकम कैसे की जाती है, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, हमारा हाथ दिखाई दे रहा है सबको, ये क्या है? ये है, ये कैसे गिनते हैं? अंगूठा किधर जाता है? बाहर की तरफ जाता है ना। ऐसे सब लोग अपना अंगूठा करके देख लो, भूलना नहीं ये बात, अंगूठा बाहर जा रहा है ना। नोट ऐसे तो नहीं गिनते, नोट ऐसे ही गिनते हैं। एक ये कमाई है जिसमें अंगूठा बाहर जा रहा है, एक कमाई है जिसमें अंगूठा अंदर आ रहा है। माला कैसे जप करते हैं? अंगूठा बाहर जाता है कि अंदर आता है? अंदर आता है ना। दो प्रकार की कमाई, एक बाहर जा रहा है एक अंदर आ रहा है। तो जानना जिसमें अंगूठा बाहर जा रहा है ये कितनों गिन लो, ये तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं, सब यहीं रह जाने वाला है सीधा सीधा। और जो अंदर आ रहा है वो जाना, वही लेकर के आपको यहां से जाना है, वही मूल कमाई है। जैसे यहां से आप ऑस्ट्रेलिया जाए, इंग्लैंड जाए, तो यहां का पैसा वहां जमा करके वहां की नोट लेना पड़ेगा, तब आप वहां घूम सकते हैं।
चाहे करोड़ों रुपए आपके पास रहे, वहां का नोट नहीं है तो आप घूम नहीं सकते। वैसे ही मेरे भाई, जो यहां नोट चलती है वहां नहीं चलती। दोनों नोट कमाना जरूरी है। यहां वाली नोट तो कमाओ ही कमाओ, ये वाला खूब कमाओ, दिन भर कमाओ, लेकिन समय निकाल करके एकाक आधा घंटा 10 मिनट ये बाबली भी नोट कमा लिया करो, जिसमें ना तो भाई का बंटवारा है, ना बेटे का बंटवारा है, ना सगे संबंधियों का बंटवारा है, किसी का बंटवारा नहीं। ये भी थोड़ा कमाया करो, सुबह शाम कमाओ, यही लेकर के जाना है, यही लेकर के जाना है। इसलिए इस जन्म में कमाए रहोगे तो ब्याज सहित आपको अगले जन्म में मिलेगा। कैसे मिलेगा? आप कहते हैं कि क्या महाराज जी आपने देखा कि मिलता है? आपका प्रश्न यही होगा, आपने देखा कि मिलता है? अच्छा बताओ, एक लड़का अभी ठीक कितना बज रहा है? 6:30 बज रहा है। ठीक 6:30 बजे एक लड़के का जन्म फुटपाथ पे होता है, रिक्शे वाले के घर में। ठीक, एक बच्चे का जन्म एक गरीब घर में जो रिक्शा चलाता है उसके घर में हुआ, ठीक 6:00 बजे। ठीक 6:00 बजे एक बच्चे का घर धीरू भाई अंबानी के घर में हुआ एक बच्चे का जन्म। अच्छा बताओ, दोनों ने अभी कोई कर्म नहीं किया ना? कि कोई कर्म किया? कोई कर्म नहीं किया, लेकिन वो जन्मजात और वो खर्मों का मालिक है, जन्मजात भिखारी है। मिला कि नहीं जन्म से? जो करके गया था वो खा रहा है बैठ करके, जो नहीं करके गया था, जो रोते हुए गया था, वो रोते हुए पैदा भया और दिन जिंदगी भर रोते हुए मर जाएगा। वैसे एक एक टुकड़े के लिए मुस्ताद रहेगा। करके नहीं गया, करने में सबको बड़ा कष्ट गुजरता है। फ्री का माल मिल जाए तो बाप बेटा सब मिलकर के दबा के खाएंगे। हाँ, फ्री का मिल जाए फिर देखो, और सबको फ्री का चाहिए। कोई व्यक्ति काम नहीं करना चाहता, कोई काम नहीं करना चाहता, सब लोग फ्री का लेना चाहते, परिश्रम करिए। आपको हम इस जगत की बात नहीं बता रहे कि आप मेहनत करो तो पैसा मिलेगा। ऐसा करो कि करके जाओ तो लेकर वहीं से आओ, बैठ करके केवल खाओ, बैठ करके केवल आनंद लो। यहां आकर के किसी का कहां पोसाया है महाराज? किसी को कहां पोसा रहा है? यहां तो बस सुबह से आदमी निकलता है, दिन भर काम करता है, 500 रुपया लेके घर आता है, वो तो नून तेल लकड़ी में ही हो जाता है। गरीब आदमी बेचारा कहां इस संसार के सुखों को देख पाता है? कहां देख पाता है? उसका तो बस इसी में पूरा जीवन घसीटते घसीटते खत्म हो जाता है, घसीटते घसीटते खत्म हो जाता। इसलिए खूब भजन करिए, जितना हो सके उतना भजन करिए। क्यों? भजन ही आपको प्रसन्नता देगी। कथा खूब सुनिए, हम बार बार ये निवेदन करते हैं, वो चाहे कहीं भी कथा हो, कथा सुनने को मिले खूब कथा सुनिए, क्योंकि कथा ही आपको प्रसन्न कर देगी।